अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 2000 केस के अंदर जिब्रान नासिर, जैसे कि मुझे वो शख्स जो है ना वैसे ही बड़ा पसंद है, उनकी जो गुफ्तार के अंदाज़ हैं बड़े बेहतरीन हैं। उन्होंने एक रिसेंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने शटअप कॉल दी है बहुत से ऐसे लोगों को कि जो गलत वीडियोज़ बना रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, उनसे एक सवाल किया गया, वो मैं भी चला रहा हूँ कि यार क्या इस चीज़ का भी मेडिकल टेस्ट किया जाए, क्योंकि देखें मेडिकल टेस्ट में ही पता लगा कि वो बच्ची जो है कम उम्र की थी। तो वो कह रहे हैं कि क्या अब उस चीज़ का भी मेडिकल होगा कि उस बच्ची को ड्रग्स दिया गया, उस बच्ची को इंजेक्शन लगाए गए, उस बच्ची को ज़्यादा कोप किया गया, क्या इस चीज़ के ऊपर भी मेडिकल बनेगा, क्योंकि मेडिकल के थ्रू पता लग सकता है कि ये है या नहीं। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा बेहतरीन एक मौके पर रखा कि देखें ये ऐसी चीज़ें हैं जो शोशा, एक वर्ड यूज़ किया था कि शोशा छोड़ी गई हुई चीज़ है। इसके अंदर मेरा कभी भी कोई मौक़िफ नहीं आया, ना हमने कोई इस तरीके की दिफा लगाई या कुछ और किया। हाँ, वो इनका कहना है कि जो तफ्तीशी अफसर थे इस केस के, उन्होंने ज़रूर इस चीज़ के ऊपर दफाएँ लगाईं कि ये चीज़ें भी जो हैं वो इस्तेमाल की गई। तो ये सवाल उनसे बनता है, आप मुझसे नहीं कर सकते। पर जहाँ भी कहा जाए, जिब्रान नासिर को नो डाउट एक दाद भी देनी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए जिस तरीके से वो इस केस को लेके चल रहे हैं और स्टिल इसकी वो पैरवी कर रहे हैं। और उनका अभी भी यही कहना है कि यार जो गलत बात की जाती है उसको जो है ना वो कभी भी हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए। और एक और उन्होंने पॉइंट उठाया जो पर्सनली तौर पर मैं बड़ा खुश भी हुआ और अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस पॉइंट को। उनका कहना है कि देखें केस को कभी भी मुलजिम के नाम से जो है ना वो फेम नहीं किया करें, मशहूर नहीं किया करें आप। लाइक केस जैसे कि उसको आप जहीर के नाम से अब आप लें, बच्ची के नाम जो है वो आप डाउन रखें, और जहीर के नाम से भी आप अगर बोलेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि ये केस किसका है। बट हम ज़बान सरेआम क्या ले आते हैं कि भाई दुआ ज़हरा, उस बच्ची का नाम जो है वो हर शख्स ले रहा होता है, वट एवर वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे वो चल रहा होता है। तो हमें इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। देखें ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि अब लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल मुख्तारा माई का एक वाक़या जो हमारे मुल्क में गुजर चुका है, लाइक उसके साथ रेप हुआ था, बड़ा हर बंदे को पता है कि, लेकिन अब देखें अब रेप किया किसने था वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो मुख्तारा माई का नाम आज तक जो है सबको पता है था कि वो बेचारी मजलूम थी, और लेकिन जो मुलजिम था जिसने जुल्म किया उसका किसी को पता ही नहीं है तारीख़ में और हिस्ट्री में। तो यही चीज़ वो दोहरा रहे हैं, वो यही चीज़ कह रहे हैं कि भाई आप इस केस के अंदर जो बच्ची है उसके नाम को डाउन रखें, उसका नाम आप ज़्यादा मार्केट में ना लाएं, जो मुलजिम है उसका नाम आप जो है वो ले गए। तो इस चीज़ के ऊपर भी उनसे एक सवाल बना कि यार आप जो है वो कह तो रहे, लेकिन अब तो पूरी दुनिया को पता लग चुका है, अब हम क्या करें। तो बड़ा तफसीली उन्होंने बताया, वो वीडियो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कि उन्होंने बड़ा तफसीली इस चीज़ के ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया कि देखें शुरू के 10 दिन तक तो पता ही नहीं था, नहीं एक मिसिंग केस था कि यार बच्ची मिस हो गई है, लाइक गुम हो गई है, उसे ढूंढा जा रहा है, जगह जगह बैनर पोस्टर्स ये वो लगे कि भाई कहीं से भी पाकिस्तान से वो मिले तो काइंडली आप इसको दे दें। लेकिन कुछ टाइम बाद उस केस के तकरीबन जितने पहलू थे वो खुल के सामने आने लग गए। जब वो पहलू सामने आने लग गए तो उसके बाद जो है हमें सारा केस समझ आ गया, हर चीज़ हमारे सामने आ गई। तो अब उस केस को जो है वो दूसरे एंगल से डील करना चाहिए, दूसरी नज़र से देखना चाहिए। अब हमें उस बच्ची के नाम को थोड़ा पसे पर्दा रखते हुए, जो इस केस के अंदर किरदार ऐसे हैं जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने जुल्म किया, जो मुलजिम हैं, उनको जो है हमें फ्रंट पे लाना चाहिए, भले वो उनका नाम हो, भले वो उनकी आइडेंटिटी हो, हमें वो रखनी चाहिए। अच्छा, और उनका ये है कि भाई ये केस जो है सिंध गवर्नमेंट का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का लॉ है, सॉरी जो चाइल्ड मैरिज का जो लॉ है उसके मुताबिक जो है लाहौर से सिंध इसको जो है वो शिफ्ट किया गया बच्ची को, और वो लॉ जो है इस बच्ची के ऊपर लागू होगा, इसकी इस पूरे के ऊपर जो है वो लागू होगा। इस पूरी गुफ्तगू के अंदर बड़ा तफसील से उन्होंने सारे चीज़ों को बताया। देखिए क्योंकि जिब्रान नासिर एक लायर होने के साथ साथ ना एक मतलब उनकी बातों से पर्सनैलिटी से ये लगता है कि यार वो बंदा कहीं ना दिल में एक दर्द भी रखता है लोगों के लिए, ठीक है, उसके अंदर एक जज्बा भी है कि मैं मुल्क के लिए भी कुछ करूँ, मैं अपनी आवाम के लिए भी कुछ करूँ, मैं अपनी अच्छाई के लिए भी कुछ करूँ। तो इस तरह के मोस्टली सेंसिटिव केसेस के अंदर ना वो शख्स आपको हमेशा फ्रंट फुट पे नज़र आ रहा होता है। तो ऐसे लोगों को हमें सराहना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ में आके फ़ाइट करते हैं, वो फ़ाइट करते हैं जो करने वाली फ़ाइट होती है। और ओवरऑल बाकी हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी पावर है, एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एक अपनी वैल्यू है, हमें हर प्लेटफॉर्म को जो है वो सराहना चाहिए जो भी लोग कर रहे होते हैं। बट द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस पूरी की पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी जो बात मुझे अच्छी लगी कि देखें मज़लूम को आप जो है वो हमेशा पसे पर्दा रखा करें, और जो मुलजिम है उसे ही आप फ्रंट पे रखा करें।
तो हमें हमारी एज अ कौम हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, भले वो हमारी गली हो, मुआशरा हो, मुल्क हो या दुनिया लेवल पे जो भी मसाइल या मामलात होते हैं उसके अंदर भी हमें ऐसे ही पेश आना चाहिए। थैंक यू।